हिमाचल प्रदेश में आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां पर सड़कें बनी ही नहीं हैं। आखिर सरकारें वायदा करते करते थकती नहीं हैं और लोग जीने की आस नहीं छोड़ते हैं। लोगों को भरोसा है कि उनका काम सरकार कर देगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। चुनावों में बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं और सरकार बनने के बाद तू कौन मैं कौन वाली हालत हो जाती है। अब जनता ने मन बना लिया है कि लोकसभा चुनावों का बहिष्कार करेंगे। इन नेताओं को पता चलेगा कि जनता जब बिगड़ जाती है तो क्या होता है, एक एक वोट कितना कीमती है और एक वोट हार जीत ही तय कर सकता है, इसकी महत्वता अब नेताओं को पता चलने वाली है। सुलह विधानसभा क्षेत्र का एक ऐसा हिस्सा है जहां पर लोगों ने चुनावों का विरोध किया है। ये गाँव है लहड़ू गाँव। गाँव वालों का आरोप है कि आखिर इस गांव में सुविधाओं की कमी क्यों है, ये जनता खुद बोल रही है। स्वास्थ्य मंत्री से खफा ये लोग कह रहे हैं कि हमारे गांव को सड़क दे दो, नहीं तो जब तक सड़क नहीं बनती है वोट मांगने मत आना। यही नहीं, इस गांव में लगभग 250 लोग वोट नहीं डालेंगे और नए वोटर भी ना ही वोटिंग में हिस्सा लेंगे। आप अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं कि क्या हालत है इस गांव की। जानते हैं क्या कहा युवाओं और लोगों ने। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम चौधरी विचित्र सिंह सुबेदार रिटायर्ड। कितने साल हो गए इस गांव में रहते हुए? मैं तो पैदा यहां पर हुआ, लगभग 72वां साल चल रहा मेरा। तो क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है तब से हमारे गाँव के लिए कोई ना रास्ता है ना बिजली का बंदोबस्त था, वो भी हुआ अभी, लेकिन रास्ता जो है हमारे लिए नहीं है। लगभग जब से हमने होश संभाला है तब से यही हाल है। हमारा यही मांग है कि हमारे गांव के लिए जी पेबल रास्ता जो है वो गाँव तक पहुंचना चाहिए। अगर रास्ता नहीं बनता तो हमारा गांव जो है वोट देने के लिए तैयार नहीं है और ना ही हम वोट देना चाहते हैं। कितने लोग हैं जो वोट नहीं देंगे? यहाँ पर लगभग 200 वोटर हैं हमारा जो इस गाँव का है। तो क्या ये भाजपा का ही बहिष्कार है या कांग्रेस का भी? नहीं, ये सबका, पूरे गांव का, इसमें भाजपा और कांग्रेस का कोई सवाल नहीं है। कब तक वोट नहीं करेंगे आप? जब तक हमारे को रास्ता नहीं मिल जाता। कोमोजी कैसा लग रहा है, पहला वोट देना था लेकिन नहीं दे पाओगे? मैं तो वैसे वोट नहीं देना चाहती हूँ। क्यों? कोई फायदा नहीं राजनीति में जाके, और वैसे भी हमारे गाँव में कोई भी आई नहीं डिस्ट्रिक्ट इंडिया के तौर पे, हमारे गांव में तो कुछ है ही नहीं। वैसे मेरे मम्मी बीमार थे तो उनको भी हम ऐसे चार पाए पे उठा के लेके जाते थे, इतने ज़्यादा बीमार रहे, पैरालाइज हो गया, कहाँ से लाने। तो पापा वगैरह घर में थे नहीं होते तो हम कैसे लेके जाते उनको, हम बच्चे थे घर में, कौन लेके जाता अगर गाँव वाले भी साथ नहीं देते। तो सड़क होगी तभी हम थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। पर क्या लगता है सरकार आपसे वादे करती है? झूठे, सुनाई नहीं दी है किसी ने भी हमारी। अब क्या लगता है वोट देंगे या नहीं देंगे? नहीं देना, वोट कौन देना? क्यों, भाजपा है या कांग्रेस? नहीं, भाजपा सरकार या ये जो दूसरी सरकार है उसका हमसे कोई मतलब नहीं। हमें बस ये सड़क चाहिए क्योंकि हमारे बुजुर्ग हैं, सास हैं, ससुर हैं, जब वो बीमार हो जाते हैं तो हम उसको मंजे पे उठा के ले जाएंगे। तो मंजा भी है जो चार इंसान है, जो मंजा जो चार जने उठा सकते हैं, एक लेटा होगा तो चार जने उसको उठाएंगे, तो चार जने हम जा ही नहीं सकते। ये तो है नहीं भी हमेशा जेंट्स घर में रहते हैं, हम लेडीज होती हैं तो बीमार हो जाते हैं रात को, तो रात को तो मर्द होते हैं घर में, उनको तो हम उठा लेंगे, चलो भी हमारी सास बीमार होगी ले चलो इसको उठा के। लेकिन दिन में हम क्या करें जनासे, क्या करें उनको, हमने काम घर का काम करना है, खेती का काम करना है, जो बीमार हो जाएंगे तो उनको मंजे में उठाएंगे तो चार जने तो चलती नहीं, एक इधर गिर जाएगी दूसरी उधर गिर जाएगी, कैसे ले जाऊँगी उसको उठा के। 200 मीटर का जो टोटा है वो बिल्कुल ही नहीं, उसका तो है ही नहीं, निशान ही नहीं है, कागजों में भी निशान काटा दिया उसका, क्यों काटा है उस पर निशान। क्या नाम है आपका? हरान प्यारे नाम मेरा। क्या समस्या आपके गांव में? हमें यही समस्या जो उसने बताया, बस हमारे को सड़क चाहिए, सड़क नहीं दे रहे हैं, रास्ता नहीं, जहाँ मर्जी से हमारे को दो, हमें हमारे जी प्रोब होना चाहिए, और जब कोई बीमार हो जब तक कैसे हमने ले जाना। तो सरकारों ने पहले नहीं सुना आपको कभी? सरकार ने कुछ नहीं सुना हमारे से, सुनाई नहीं दी है किसी ने भी हमारी। अब क्या लगता है वोट देंगे या नहीं देंगे? नहीं देना, वोट कौन देना? क्यों, भाजपा है या कांग्रेस? नहीं, भाजपा सरकार या ये जो दूसरी सरकार है उसका हमसे कोई मतलब नहीं। हमें बस ये सड़क चाहिए क्योंकि हमारे बुजुर्ग हैं, सास हैं, ससुर हैं, जब वो बीमार हो जाते हैं तो हम उसको मंजे पे उठा के ले जाएंगे। तो मंजा भी है जो चार इंसान है,
जो मंजा जो चार जने उठा सकते हैं, एक लेटा होगा तो चार जने उसको उठाएंगे, तो चार जने हम जा ही नहीं सकते। ये तो है नहीं भी हमेशा जेंट्स घर में रहते हैं, हम लेडीज होती हैं तो बीमार हो जाते हैं रात को, तो रात को तो मर्द होते हैं घर में, उनको तो हम उठा लेंगे, चलो भी हमारे सास बीमार होगी ले चलो इसको उठा के, लेकिन दिन में हम क्या करें जनासे, क्या करें उनको, हमने घर का काम करना है, खेती का काम करना है, जो बीमार हो जाएंगे तो उनको मंजे में उठाएंगे तो चार जने तो चलती नहीं, एक इधर गिर जाएगी दूसरी उधर गिर जाएगी, कैसे ले जाऊंगी उसको उठा के। 200 मीटर का जो टोटा है वो बिल्कुल ही नहीं, उसका तो है ही नहीं निशान ही नहीं है, कागजों में भी निशान काटा दिया उसका, क्यों काटा है उसको निशान, जबकि कोटा है, कोटे के लोग हैं उनको सड़क है, वो भी हमारे बाड़ में है, टोपू में बल है उनको सड़क है, वो भी हमारे बाड़ में है, है? तो हमारा ना क्यों काटा है, टोपू में बल के 50 मेंबर होंगे वोट देने वाले कम से कम, और हमारे गांव में 250 मेंबर है वोटर है, और कम से कम 5 मेंबर अब नए होंगे वोट देने वाले, लेकिन उनके कोई हमारी है ही नहीं, सुनवाई नहीं, जैसे ऐसे हैं बेरे जो हैं वो बस इस सड़क से काट दिए गए। कब तक वोट नहीं दोगे आप? जब तक हमारे को वोट नहीं मिले, ये नहीं मिलेगी सड़क नहीं मिलेगी तब तक हम कोई वोट नहीं देंगे। कुछ किस क्या नाम आपका? मेरा नाम संजना है। पहली बार आपका वोट बना था लेकिन आपके गांव वालों ने रोक दिया, कैसा लग रहा है? नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि वोट देना, पर हमारे पास सड़क नहीं है ना, तो सब सड़क जो है सबसे अच्छा मुद्दा है वे उठाने के लिए, क्योंकि लाइफ में 5 मिनट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अगर किसी को मतलब अगर सड़क ना हो तो कैसे जाएंगे हम वहाँ पे, मतलब हॉस्पिटल के लिए मतलब पहुँचने के लिए सड़क बहुत जरूरी होती है, और हमारे गाँव में इतने बड़े साल हो गए सड़क ही नहीं है, सड़क बहुत जरूरी। अगर कोई रात को बीमार हो जाता है तो कैसे लेके जाते हैं उसको? उसको ऐसे ही उठा के लेके जाते हैं या मंजे पे उठा के लेके जाते हैं। तो क्या लगता है जो आधुनिकता का दौर है, जो डिजिटल इंडिया की बात की जा रही है, इस गांव में है कुछ ऐसे नाम की? कुछ भी नहीं है इसमें, मतलब पहले तो बिजली नहीं थी, बिजली का थोड़ा बहुत प्रबंध हुआ चलो वो तो ठीक हो गया, उसके बाद पानी की भी समस्या बड़ी बार ज्यादा थी हमारे गाँव में, मतलब पानी भी ढंग से नहीं आता था, बट अब ठीक है पानी अब थोड़ा आने लगा है भाई, पर उस हिसाब से पानी नहीं आता अभी भी, पर सड़क जो है सबसे मेन मुद्दा है कि भाई सड़क नहीं है हमारे गांव में। तो पहला वोट भी नहीं दोगे, और कब तक वोट नहीं दोगे? जब तक हमारे गांव में सड़क नहीं बनेगी तब तक वोट नहीं देंगे। ठीक है।